हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो जी, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का दिन है और सबसे पहले आप सभी को मैं अपने कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ। तो भाई, मेरे कान्हा जी तो बिल्कुल स्नान करके तैयार हो गए हैं और मैंने बढ़िया तरीके से उनको स्नान करा के वस्त्र वगैरह उनके बदल दिए, उनको तैयार कर दिया है। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी तो बांसुरी उनकी बज गई है, तो ये देखिए मैंने उनकी बांसुरी भी लगा दी है। और अब देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी किस चीज़ की कमी है बताइए। जी हाँ, अभी कमी है उनके मुकुट की, तो बस उनको मुकुट पहनाना रह गया है। अभी उनके लिए मैं नए वस्त्र भी अभी लाऊंगी, क्योंकि अभी मैं लेकर नहीं आई, मुझे इतना टाइम नहीं हो पाया, तो वस्त्र मैं उनके अभी लेकर आऊंगी। अभी मैंने फ़िलहाल उनको तैयार कर दिया है, नए वस्त्र मैं उनको शाम को पहनाऊंगी। तो ये देखिए कान्हा जी को मैंने मुकुट वगैरह पहना के झूले में डाल दिया है। मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब मैंने फटाफट से पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी के काम भी हैं जो करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले पूजा वूजा कर ली, उनको थोड़ा सा झूला झूला दिया, दिया बत्ती कर दी मंदिर में बढ़िया तरीके से। और एक कान्हा जी मेरे और भी हैं, उनको भी मैंने बढ़िया तरीके से स्नान करा दिया था। ये देखिए माखन वाले, उनको भी मैंने तिलक वगैरह कर दिया था, बढ़िया तरीके से वो कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह सबके लिए बना दिया था, क्योंकि मेरा तो आज था फास्ट। और उसके बाद देखिए मुझे आज क्या सूझा, मेरे को सूझा कि आज मैं मेहंदी लगाऊँ, वो भी कान्हा जी के नाम की। तो मैंने कान्हा जी के नाम की मेहंदी पता है किस तरीके की लगाई, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ना सबसे पहले मेरी कोन रखी हुई थी रक्षाबंधन की, और ये देखिए मैंने क्या करा है उसका। तो मैंने एक मटकी बनाई, उसमें एक बांसुरी बनाई और वहाँ पर एक मोर पंख टाइप का डिज़ाइन बनाया, और उसके नीचे ना मैंने क्या लिखा अभी आप लोग को पता चल जाएगा। जी हाँ, मैंने उसमें लिखा श्री कृष्णा। तो काफ़ी खुशी मिली मेरे को ये मेहंदी लगा के, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए मेहंदी लग चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी के लिए फ्रेश फ्रेश मक्खन निकाला, जी हाँ उनको भोग लगाने के लिए। तो मैंने उनके लिए बढ़िया सा मक्खन निकाला, क्योंकि ना देखिए भगवान को चढ़ना है तो जूठा नहीं होना चाहिए। मक्खन वगैरह निकालने के बाद मैंने वो अलग रख दिया। और उसके बाद मैं गई मार्केट वस्त्र वगैरह ख़रीदने के लिए, क्योंकि आज मंडे मार्केट था तो बहुत सारा काम भी था, सब्जी भी लानी थी। तो वहाँ से मैं वस्त्र और कान्हा जी का मुकुट उनके लिए गिफ्ट लेकर आई बर्थडे का, और घर आके मैंने उनको तैयार कर दिया। और उसके बाद जी मुझे करनी थी उनके भोग की तैयारी। उनके लिए मैंने बनाई बढ़िया सी मीठी मीठी खीर। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।